सो ये गाइस वेलकम बैक। सो आज है डे 16 ऑफ 75 व्लॉग्स चैलेंज और आज व्लॉग बहुत ही ज़्यादा लेट से शुरू हो रहा है क्योंकि अभी शाम होने हो चुका है क्योंकि सुबह से बहुत ही ज़्यादा काम रह गए थे। मतलब पापा की दुकान गया था, थोड़े बहुत काम थे वो सारे खत्म करने के बाद ट्यूशन गया, ट्यूशन से अभी आया जब और व्लॉग शुरू कर दिया क्योंकि आज का अगर व्लॉग नहीं बना हुआ हमारा 75 डेज चैलेंज फेल हो जाएगा। मैंने ब्लॉग सुना सुबह से, मैंने किसी भी फिश को फीडिंग नहीं किया, ना ही एंजल को, ना ही आरटीसी को, ना ही ऑस्कर को, ना ही पोलर बैंड को, किसी को भी नहीं फीड किया। और हमारे थोड़े पीसी में भी थोड़े बहुत खराबी आ गए थे, वो भी रिपेयर करने लेके गया, इतने सारे काम रह गए कि मतलब क्या ही बोलूँ। और पढ़ाई के बीच में पढ़ाई करके और ब्लॉगिंग करना मतलब बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। मतलब पढ़ाई को भी बैलेंस करो और ब्लॉगिंग को भी बैलेंस करो क्योंकि ब्लॉग तो बन जाते हैं पर उसको एडिटिंग, उसके फोटो बनाना बहुत ज़्यादा टाइम टेकन है। और इतनी सारे मेहनत करने के बाद मतलब थोड़े बहुत चैनल को ही सब्सक्राइब करते हैं और वो बहुत ही ज़्यादा हर्ट होता है। सो मेहनत को देख के आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लो और जो भी नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लो जल्दी जल्दी और इंस्टाग्राम पेज को भी फॉलो करो जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है क्योंकि मैं अभी एक नया इंस्टाग्राम अकाउंट खोलने वाला हूँ क्योंकि वो वाला अकाउंट शायद एल्गोरिथम की वजह से वो बंद हो चुका है, मतलब काम ही नहीं कर रहा। सो मैं नया खोलूँगा, सो नया वाले का तो अभी तक खोला नहीं हो जाता, वही वाला फॉलो कर लो। सो शुरू करते आज का व्लॉग, ज़्यादा देरी नहीं करते और सबसे पहले हमारे सारे फिशेज को फीडिंग दे देते और ये भी बाकी कल में आधा करने क्योंकि ये कल पोलर पैड के हाल देखने के बाद मेरा मन ही नहीं हुआ और मैंने बंद ही कर दिया इसका। सो शुरू करते हैं। सो देखो मैं जैसे ही ये खाने का बॉक्स यहाँ पे लाता हूँ हमारे एंजल फिशेज संभल जाते हैं क्योंकि इनको सुबह से फीडिंग नहीं दिया। और हमारा आरटीसी भी यहीं पे है, वहाँ पे बैठा है, देखो ऊपर से दिखाता हूँ, हो रहा हमारा आरटीसी। और ये वाला सेटअप कैसे लग रहा है सारे कमेंट कर देना। और इसके अंदर हमारा पोलर पैरेट है एरा, इसको भी दे देते हैं। और ऑस्कर को भी दे देते हैं। ये आ गया ब्लैक ही हमारा। सो इनका भी हो गया। सो अभी हमारे पोलर पैरेट्स को दे देते हैं। और आप लोग सारे गाइस कमेंट करना कि इनके ब्रीडिंग में ऐसे बार बार क्यों होता है। आप लोग जो भी अच्छे से जानते होगे, अच्छे से ब्रीड कराए होगे कमेंट्स कर देना, हम मैं भी वैसे ही करूँगा क्योंकि बहुत बार फेल हो चुका है। सो आप ही लोग अभी हेल्प कर सकते हो मेरा। सो चलते हैं और हमारे गपीस को फीडिंग देते हैं। ये हमारे गपीस, ये स्नेक गपी और ये वाली फीमेल और हमारा येलो गपी। डम्बो कहीं घुस के बैठा होगा, आ जाएगा बाहर। और इसमें हमारी फीमेल, ये और हमारे फ्राइस, और ये रहे हमारे स्नेक गपी के फ्राइस। बहुत सारे हैं तो हम देखेंगे कल इनको इसके अंदर शिफ्ट कर देंगे। और कल हमें फिश जॉब भी जाना है, रीज़न क्या है वो तो वीडियो में पता चलेगा, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो। सो मैंने अभी ऐसे ही दे दिया, ये लोग खा तो लेंगे जब भीग जाएगा। ये देखो तो सारे आ रहे, सभी इनको ऐसे ही रख देता हूँ, यहाँ पे रख देता हूँ। सो अभी हमें हमारे कंप्यूटर का भी सेटअप इसको अच्छे से करना होगा और यहाँ का जो लाइट है ये लाइट को भी यहाँ पे लगा देंगे क्योंकि हमारे बड़े दो टैंक यहाँ पे है। हाँ, इसी में लगाएंगे बड़े वाले लाइट को। और यहाँ पे हमारा गोल्डन वाला लाइट लगा देंगे, नहीं क्योंकि हमारे टैंक को आज हम साइड कर देंगे क्योंकि इस साइड में ये दो रहने वाले तो इनको भी शिफ्ट कर देंगे और यहाँ पे गोल्डन लाइट लगा देंगे। यहाँ पे गोल्डन आ जाएगा और यहाँ पे वाइट आ जाएगा। हाँ, इसके लिए तो एक्वेरियम वाला लाइट आएगा और देखते क्या करना है। सो सर शुरू करते सारा काम।
सो मैंने हमारे दो एक्वेरियम को सरका दिया है और पूरे एक ही लाइन पे यहाँ से लेके यहाँ तक। सो हमें यहाँ पे जो लाइट भी लगा है उसको यहाँ पे शिफ्ट करना होगा। सो देखेंगे इसके ऊपर व्हाइट लाइट ही लगाएंगे या तो फिर गोल्डन लाइट लगा देंगे इसके ऊपर वाला। गोल्डन लाइट लगा देते हैं यहाँ पे और व्हाइट लाइट लगा देते हैं यहाँ पे। सो जल्दी से लगाता हूँ। सो अभी हो चुकी सुबह, क्योंकि रात को मैंने कुछ भी इलेक्ट्रिक का काम नहीं किया क्योंकि मेरे को बहुत सारे पिन मारने थे तो बहुत ही ज़्यादा आवाज़ होता, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा मतलब 8 बज चुके थे। सो जिस वजह से मैंने नहीं किया, काम छोड़ दिया। सो अभी मैंने पूरा सेटअप डन कर दिया है। हमारे दो एक्वेरियम्स यहाँ पे आ चुके हैं और यहाँ पे नीचे लाइट भी लग चुका है और हमारे दो टैंक्स भी यहाँ पे आ चुके हैं। सो पूरा सेटअप डन है, यहाँ से शुरू वहाँ से शुरू होता है लेकिन यहाँ पर हम देखेंगे कि आज ही हमारे टैंक के लिए जो भी सारा सामान लगेगा आज ही लेके आ जाएंगे। सो दिखाता हूँ आप लोगों को लाइटिंग्स कैसे हैं सारे। सो यहाँ पे हमारे सारे स्विच है। सो ये लो, यहाँ का गोल्डन वाला लाइट दो टैंक्स में मारेगा और यहाँ पे गोल्डन प्लस वाइट दोनों आएगा, क्योंकि यहाँ पे तो एक्वेरियम का लाइट वाला आ जाएगा, जो एक्वेरियम में जो लाइट लगते हैं वो वाला आ जाएगा। सो इसका टेंशन नहीं है, पर ये वाला टैंक मस्त दिख रहा है गोल्डन लाइट में। इसका मैं रात का वाला क्लिप भी ऐड कर दूंगा, देख लो। सो देख ही लिया होगा कि कैसा लग रहा है रात को टाइम, मतलब वो तो मतलब बहुत ही पास था पर दूर से भी ऐसे ही लगेगा जब रात हो जाएगा। तो ऐसा कुछ हमारा पूरा सेटअप है। सो आज ही जाएंगे हम, आज ही जाके हमारा पूरा टैंक का सामान लेके आ जाएंगे और देखेंगे। ऑस्कर को भी आज ही शिफ्ट कर देंगे। नहीं अभी तो सारा सामान आएगा वो आपको नेक्स्ट व्लॉग में दिखेगा, क्योंकि ये तो फिर मतलब 16 डे का व्लॉग है, क्योंकि रात मतलब रात को शुरू किया था, थोड़ा लेट हो गया था। सो अभी सुबह तक चलेंगे, सामान खरीदने जाऊंगा तो 7th डे का ब्लॉग शुरू हो जाएगा। सो सुबह के टाइम में भी ये टैंक कितना मस्त दिख रहा है। ये देखो और हमारा 8 DC। सो आज का व्लॉग मैं यहीं पे एंड करता हूँ। सो जो भी चैनल नहीं हो जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कर लो और इंस्टाग्राम पेज को भी फॉलो कर लो। सो ऐसे ही सपोर्ट दिखाते रहो और तगड़ा सपोर्ट दिखाओ, क्योंकि हम 75 डेज के बाद हम 1000 से भी कहीं ज़्यादा फैमिली बना सके हमारे यूट्यूब कम्युनिटी में। सो जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कर लो। सो मिलता हूँ आपको नेक्स्ट ब्लॉग में। सो तब तक चैनल को सब्सक्राइब कर लो।